तो भाई लोग आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का जो मैच नंबर 30 है ना, इसमें यूनाइटेड स्टेट के सामने होगा आयरलैंड। मैच एक, रिजल्ट 3। जी हाँ दोस्तों, इस मैच पे ना 3 रिजल्ट आ सकते हैं। पहला, अगर यूनाइटेड स्टेट ये मैच जीतेगा तो टॉप 8 में क्वालिफाई कर जाएगा। अगर आयरलैंड ये मैच जीतता है तो पाकिस्तान की जो उम्मीदें रहेगी जिंदा रहेंगी, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ आयरलैंड भी जिंदा हो उठेगा। क्योंकि अगर आयरलैंड ये मैच जीतता है और उसके बाद पाकिस्तान के सामने जो भी टीम मैच जीतेगी, जो अच्छे रन रेट से जीतेगी, वो टॉप 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन अगर यूनाइटेड स्टेट आज का मैच जीतती है तो पाकिस्तान एंड आयरलैंड का जो मैच है बस ऐसे ही खेला जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। तो भैया जो मैच है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के मैच में क्या होगा, कौन सी टीम है जो आज का मैच अपने नाम पे करेगी, यही जानेंगे आज के इस वीडियो में। वैसे अगर हम इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो अभी तक 6 मैच खेले गए, जिसमें से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बस एक मैच जीता, 5 मैच जीता आयरलैंड, जिसमें से 4 मैच आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के हैं और वो सारे 4 के 4 मैच आयरलैंड अपने नाम पे करता है। अगर हम यहाँ पे इंटरनेशनल टी20 की बात करें, 2 मैच खेला गया जिसमें से एक अमेरिका जीता और एक जीता आयरलैंड। वैसे चाहे क्वालिफायर का मैच है उसको भी तो हम काउंट कर ही सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें, जो आयरलैंड की टीम है वो अभी तक अमेरिका के सामने बढ़िया परफॉर्मेंस करी है, लेकिन अपने घर में जो अमेरिका की परफॉर्मेंस अभी तक रही है वो काफ़ी ज़्यादा जबरदस्त रही है। वहीं दोस्तों आयरलैंड की परफॉर्मेंस की बात करें तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत बेकार सी रही है इस टी20 वर्ल्ड कप में। तो क्या होगा, चलो एनालिसिस करके पता लगा लेते हैं। बस उससे पहले वही काम, हाँ याद आ गया ना भाई, के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को कर दो लाइक, कर दिया बहुत बढ़िया, और साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना। और आपको मेरा टेलीग्राम तो ज्वाइन करना ही चाहिए, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं जिस टीम को बोलता हूँ मैच जीतेगी वो टीम मैच जीत जाती है, जिस ओवर में बोलता हूँ विकेट जाएगा उसी ओवर में विकेट जाता है। 5-10-15 ओवर में जितने रन बोलता हूँ बनने के लिए उतने ही रन बनते हैं। तो भैया इतनी ज़बरदस्त अपडेट कहीं और आपको मिलेगी ना, कहीं और आपको ना मिलेगी, आपको यकीन नहीं है तो ऐसा करो अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक मिलेगी, जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगी। अब सब प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलीग्राम है, जो आज का मैच है अमेरिका वर्सेज आयरलैंड, इसमें ना भाई की अपडेट चेक करना। अगर आपको सब कुछ बढ़िया मिलता है तो टेलीग्राम पे बन जाना, टिक जाना, अगर आपको अपडेट पसंद ना आए तो आप वापस आ जाना, क्योंकि आने जाने का कोई पैसा नहीं लगता। बाकी अगर हम इस मैच की बात करें, फ्राइडे 14 जून इंडिया टाइम अनुसार 8 PM से आप इसका लाइव एक्शन देख सकते हो। ये जो मैच है सेंट्रल बोर्ड रीजनल पार्क स्टेडियम टफ ग्राउंड लॉदर हिल में खेला जाएगा। इस मैदान पे अभी तक 15 T20 के इंटरनेशनल के मैच खेले गए, जिसमें से 11 मैच में क्या हुआ, टारगेट डिफेंड, बस 4 मैच में टारगेट चेंज हुआ। यानी यहाँ मैदान पे तो डिफेंड होता है वो ज्यादा होता है, इसका मतलब ये है कि पहले इनिंग में बल्लेबाजी करना आसान होता है सेकंड इनिंग के मुकाबले। जो एवरेज स्कोर है यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का 167, मतलब फर्स्ट इनिंग में यहाँ पे ठीक ठाक रन बनते हैं तभी टारगेट डिफेंड हो जाता है। एवरेज टारगेट चेज की बात करें तो 159 के नीचे स्कोर बनेगा, तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेज हो सकते हैं। टारगेट डिफेंड की बात करें 175 प्लस स्कोर बनेगा, तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकता है। 159 से 175 के बीच में स्कोर होगा तो समझ जाना मामला तो बराबर का आ गया भाई साहब, जो कि चेज भी हो सकता है और डिफेंड भी हो सकता है। भाई लोग यहाँ का जो सरफेस है ना वो ड्राई एंड हार्ड है, कंडीशन की बात करें तो बैटिंग कंडीशन है, लेकिन मैं आपको ना बहुत अच्छे से पिच रिपोर्ट के बारे में समझा रहा हूँ। देखो जब पहली इनिंग आती है तो जब तक बॉल नया होता है, जो बॉल होता है बैट पे अच्छे से आता रन बनता है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है तो बॉल थोड़ा सा पुराना हो जाता है, तो थोड़ा बहुत लिटिल बिट स्पिन गेंदबाजों को हेल्प करता है, लेकिन शुरू में न्यू बॉल से तेज गेंदबाजों को थोड़ा बहुत स्विंग करता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट इनिंग में सिर्फ तेज गेंदबाजों को ज़्यादा हेल्प करता है, जो एक्सपीरियंस गेंदबाज है उनको थोड़ा सा कम हेल्प करता है, लेकिन जब सेकेंड इनिंग आती है तो जो पहले इनिंग में मतलब जो न्यू बॉल होता है वहाँ पे तेज गेंदबाजों को तो हेल्प करता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस गेंदबाज है ना जब सरफेस ज़्यादा यूज हो जाता है तो जो बॉल होता थोड़ा सा रुक कर आता उनको भी हेल्प करने लग जाता है। यानी फर्स्ट इनिंग में तेज गेंदबाजों को ज़्यादा हेल्प करता है, सेकंड इनिंग में तेज और स्पिन दोनों गेंदबाजों को हेल्प करता है। इसलिए शुरू में आपने देखा होगा यहाँ के मैदान पे ज़्यादातर जो मैच होते हैं क्या होते हैं, डिफेंड होते हैं। बाउंड्री लेंथ की बात करें तो 66 से 80 मीटर की बाउंड्री, भैया छोटी बाउंड्री नहीं है, बड़ी बाउंड्री है, चौके छक्के भी इतने आसानी से नहीं लगते हैं, तो इसलिए जो मैच है आपको थोड़ा सा मीडियम स्कोरिंग देखने को मिलेगा। पावर प्ले स्कोर की बात करें तो आपको 48 से 53 के बीच में 20 ओवर स्कोर की बात करें 160 से 175 के बीच में देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ के मैदान पर दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें तो भैया यूएसए ने
दो मैच खेला, एक जीता एक हारा, और आयरलैंड ने भी दो मैच खेला, एक जीता एक हारा, क्योंकि आयरलैंड वर्सेस यूएसए इस मैदान पे दो बार खेले, मतलब जो दोनों टीमों ने दो दो मैच खेला है ना एक दूसरे के सामने खेला, जिसमें से एक मैच यूएसए जीता एक मैच आयरलैंड जीता, तो इस मैदान पे ये दोनों टीमें पहले बराबर की परफॉर्मेंस कर चुकी हैं। तो आज के इस बड़े मुकाबले में क्या होगा, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे यूएस की बात करें और इनके खेमे में चेंजेस की बात करें तो कप्तान मोनांक पटेल की वापसी हो सकती है सियान जहांगीर की जगह पे। वहीं दूसरा मुझे लगता है नोस्तोस किंजी भी यहाँ पे इनकी भी वापसी होगी, क्योंकि यहाँ पे स्पिन को स्पिन बॉलर चाहिए, तो नोस्तोस किंजी भी आ सकते हैं। बाकी की जो टीम है मुझे लगता है सेम रहने वाली है। अगर हम यहाँ पे स्टीवन टेलर की बात करें तो जो इनकी फॉर्म में थोड़ा सा अप डाउन है, एक मैच में चलते हैं तो एक दो मैच में फ्लॉप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस अभी तक लगातार नहीं कर पा रहे हैं। बात करें मोनांक पटेल की तो कमाल के बल्लेबाज है, जिनकी जो फॉर्म है वो भी ठीक ठाक दिखी, हालांकि पिछले मैच खेल ना पाए। बाकी एंड्रयूस गोस की बात करें, सबसे बढ़िया कोई बल्लेबाजी करता, सबसे ज्यादा कोई अच्छी फॉर्म में है तो वो है एंड्रयूस गोस, जो लगातार यूएसए के लिए रन बनाते हैं, फॉर्म इनकी बहुत अच्छी है। और सबसे तेज और सबसे लंबा कोई खेलता है तो वो है एरोन जोन्स, लगातार सभी मैचों में रन बनाते हुए आ रहे, जो इनकी भी फॉर्म है काफी ज्यादा बढ़िया है, और नीतीश कुमार ने भी काफी अच्छे खासे हाथ दिखाए हैं, इनकी भी जो फॉर्म है बढ़िया है। तो अगर हम यहाँ पे टॉप फाइव की बात करें तो कहीं ना कहीं बढ़िया परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं। बात करें हम यहाँ पे कोरियन डेसन की, तो काफी एक्सपीरियंस ऑलराउंडर है, जो थोड़ी बहुत गेंदबाजी थोड़ा बहुत बल्लेबाजी करके बैलेंस देते हैं यूएसए की टीम के, लेकिन जो फॉर्म है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं कह सकते। बाकी हरमीत सिंह की बात करें तो ये भी ना बॉलिंग ऑलराउंडर है, गेंदबाजी तो कभी कभी अच्छी कर लेते हैं लेकिन बल्लेबाजी बहुत कम अच्छी कर पाते हैं, और जो इनकी फॉर्म है उतनी ज्यादा अच्छी दिख भी ना रही। बाकी नोस्तोस किंजे की बात करें तो काफी गजब के स्पिनर्स गेंदबाज है, जब भी ये खेलते हैं विकेट चटकाते हैं, जैसा कि पिछला मैच खेला नहीं उससे पहला वाला जो मैच खेला था उसमें बहुत अच्छी गेंदबाजी करके इन्होंने दिखाई थी, विकेट चटकाए थे। जसदीप सिंह की बात करें तो भैया ये भी तेज गेंदबाजी करते हैं लेकिन जो परफॉर्मेंस है ना या जो फॉर्म है ना वो आधी अधूरी है, एक मैच में बढ़िया करते थे एक मैच में बढ़िया नहीं कर पाते। लेकिन बात करें सौरभ नेतवाकल की तो भाई साहब क्या खतरनाक गेंदबाजी करे, सभी मैचों में आते किफायती रहते विकेट चटकाते, जो इनकी फॉर्म है बहुत अच्छी है। अली खान की बात करें तो अली खान भी जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, सभी मैचों में विकेट चटका रहे हैं, क्योंकि जो इनकी भी फॉर्म है वो भी काफी ज्यादा बढ़िया है। तो अगर हम यहाँ पे यूएसए टीम की बात करें तो जो बल्लेबाजी वो तो ठीक ठाक दिख रही है, और गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी भी ठीक ठाक है, बस एकाता दो गेंदबाज उतनी बढ़िया गेंदबाजी नहीं कर पा रहे। बाकी की जो टीम है परफेक्ट है, तभी जो तीन मैच खेला उसमें से दो जीता, इंडिया के सामने भी काफी लड़े थे बस मैच ना जीत पाए। बात करें अगर हम यहाँ पे आयरलैंड के, तो आयरलैंड के भी खेमे में आई थिंक चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि बेंजामिन व्हाइट की वापसी हो सकती है, हो सकता है कहता बल्लेबाज को इधर उधर किया जाए, क्योंकि जो इनकी बल्लेबाजी है, कप्तान पॉल स्टर्लिंग की बात करें तो एक्सपीरियंस है अच्छे बल्लेबाज है लेकिन जो फॉर्म है वो साथ नहीं है, एक भी मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। बात करें एंड्रू बालवर्नी की, तो इनके पास भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है लेकिन जो फॉर्म है वो भी बहुत ज्यादा ठीक ठाक नहीं दिख रही। सबसे बढ़िया कोई बल्लेबाजी कर रहा है तो वो है लॉरकन टकर, हालांकि बहुत ज्यादा अच्छा फॉर्म वर्ल्ड कप में नहीं दिखा लेकिन ठीक ठाक फॉर्म है। बात करें हम यहाँ पे हैरी टेक्टर की, तो टेक्टर भी अच्छे बल्लेबाज है लेकिन जो फॉर्म है उतनी ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही। कुर्तिस कैंपर जो इनके लिए एज ए फिनिशर खेलते हैं, मतलब मिडिल में आते हैं तेज तर्रार पारी खेल के टीम को एक बैलेंस देते हैं, साथ में थोड़ी बहुत गेंदबाजी करते हैं, लेकिन कुर्तिस कैंपर की भी जो फॉर्म है उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। जोज डोकरेल की भी यही कहानी है, अगर एक मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस करते तो एक दो मैच में थोड़ा सा फ्लॉप हो जाते। ग्रेट डेली की भी सेम कहानी है, एक दो मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस करते तो एक दो मैच में फ्लॉप हो जाते। तो ओवरऑल जो बल्लेबाजी है आयरलैंड की बहुत ही ज्यादा खराब फॉर्म से गुजर रही है, बहुत ही ज़्यादा घटिया परफॉर्मेंस कर रही है। गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी में भी मतलब उतना दमखम दिख नहीं रहा, जबकि एक्सपीरियंस गेंदबाजी लाइनअप है। जोशुआ लिटिल की बात करें तो कमाल के गेंदबाज है, जहाँ भी जाते हैं बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में अभी तक एक भी बार बढ़िया गेंदबाजी ना कर पाए। क्रेग यंग की बात करें तो इनके पास भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है लेकिन ये भी एक मैच में बढ़िया गेंदबाजी करते थे, एक मैच में थोड़ा सा फ्लॉप हो जाते। सबसे बढ़िया कोई गेंदबाजी इनके लिए कर रहा है तो वह है मार्क अडेयर, जो लगातार बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, किफायती रह रहे हैं, विकेट भी चटका रहे हैं, इनकी भी फॉर्म ठीक ठाक है। बैरी मैकर्थी की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं, इनको भी ज़्यादा विकेट विकेट नहीं मिल रहा। अगर बेंजामिन व्हाइट को खिलाया जाता तो ये ठीक ठाक स्पिनर्स है जो ठीक ठाक गेंदबाजी करते हैं। तो ओवरऑल हम यहाँ पे आयरलैंड की बात करें तो वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस रही है अभी तक वो बहुत ज़्यादा खराब रही है। वहीं यूएसए की बात करें जो उनकी परफॉर्मेंस रही है अभी तक बहुत ज़्यादा अच्छी रही है, तो इस हिसाब से जो यूएस की टीम है ना कहीं आयरलैंड से बेहतर नजर आ रही। लेकिन दोनों टीमों के लास्ट 6 मैच के बिहार पे अगर हम यहाँ पे कंपेरिजन करें तो यूएसए ने अपने आखिरी के 6 मैच में 4 जीते बस 2 हारे, यानी बढ़िया खेल रहे हैं तभी आखिरी के 6 मैच में 4 जीता बस 2 हारा। आयरलैंड की बात करें तो आखिरी के 6 मैच में 2 जीते 4 हारे, तो आयरलैंड की जो परफॉर्मेंस है कहीं ना कहीं डाउन हुई है। लेकिन इस दौरान जो आयरलैंड का बल्लेबाजी 170 रनों का जो कि ठीक ठाक होता है,
ज्यादा खराब नहीं है। बात करें यूएसए का तो 160 बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन जिन पिचों पे ये अभी मैचेस खेले हाल के वहां पे लो स्कोरिंग मैच ज्यादा हुआ है। बात करें अगर हम यहाँ पे गेंदबाजी एवरेज की तो 8.78 जो गेंदबाजी एवरेज होता है ना, ये भी थोड़ा सा महंगा होता है। जो इनके गेंदबाज है 170 से 180 के बीच में रन खा रहे हो, बल्लेबाज 160 ही बना पा रहे, फिर भी 6 में से 4 जीता 2 हारे, ऐसा क्यों? रिजल्ट अच्छा है क्योंकि ये जो मैच खत्म करना होता है ना उसको अच्छा खत्म कर देते। जैसे पाकिस्तान के सामने टाई हुआ, फिर सुपर ओवर में मैच जीत गए। कनाडा के सामने लंबा स्कोर था, आखिरी में अच्छी बल्लेबाजी करके मैच जीत गए। बात करें आयरलैंड की गेंदबाजी एवरेज की तो 8.23 जो गेंदबाजी एवरेज होता है ये ठीक ठाक होता है, बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा खराब नहीं कह सकते। यानी जो इनके गेंदबाज है वो 160 से 170 के बीच में रन खाते हैं, लेकिन इनके बल्लेबाज 170 बना पे भी आते हैं, लेकिन फिर भी 6 में से 2 जीता 4 क्यों हारे, क्योंकि ये सब कुछ बढ़िया करते हैं, आखिरी में मैच हार जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे रिजल्ट की बात करें तो यूएसए का जो रिजल्ट है आयरलैंड से बेहतर है बल्लेबाजी एवरेज में, आयरलैंड का बल्लेबाजी एवरेज यूएस से बेहतर है। गेंदबाजी एवरेज की बात करें तो यहाँ पे भी जो आयरलैंड का गेंदबाजी एवरेज है ना, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत यूएस से बेहतर नज़र आ रहा है। तो भैया आज के मैच में क्या होगा, कौन सी टीम है जो मैच उड़ाकर ले जाएगी और जीतेगी, चलो हम आपको अभी के अभी बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, क्योंकि यार मैं तुम्हारे लिए मेहनत करता हूँ, सोचो अगर आप ही भाई का सपोर्ट ना करोगे तो कौन करेगा। कर लो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तो सारी एनालिसिस के बाद जो मैच है ना वो तो मेरे को बिल्कुल बराबरी पे नजर आ रहा, 50 यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और 50 आयरलैंड। लेकिन मैं अपनी बात कहूं तो मुझे लगता है जो आज का ये मैच है ना आयरलैंड अपने नाम पे कर सकता है, लेकिन इस मैच की जो फाइनल प्रेडिक्शन है वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। क्योंकि भाई लोग टेलीग्राम पे मैं जिस टीम को बोलता हूं मैच जीतेगी वो टीम मैच जीत जाती है, जिस ओवर में बोलता हूं विकेट जाएगा उसी ओवर में तो विकेट जाता है। 5-10-15 ओवर में जितने रन बोलता हूं बनने के लिए उतने ही रन तो बनते हैं। इतनी जबरदस्त अपडेट कहीं और आपको मिलेगी ना जी ना, कहीं और आपको ना मिलेगी, आपको यकीन नहीं है तो ऐसा करो यकीन करने के लिए अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगी। अफसा प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलीग्राम है, जाओ ज्वाइन करो। और जो आज का मैच है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वर्सेज आयरलैंड, इसमें ना भाई की अपडेट चेक करना, अगर आपको सब कुछ बढ़िया मिलता है काम पसंद आता है तो भाई के टेलीग्राम पे बन जाना, टिक जाना, वापस कभी मत आना। अगर आपको काम पसंद ना आए तो तुरंत वापस आ जाना, क्योंकि आने जाने का कोई पैसा नहीं लगता। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।